नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564903096906089745585 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीटी एग्जामिनेशन की जो हम पेड क्विजेस लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसको फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले सारे वीडियोस नीचे देखिए प्लेलिस्ट में होंगे, आप वहां से देख सकते हैं अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि नव भारत साहित्य मंदिर, बेसिकली एक ये जो है ग्रुप है कह लीजिए, तो इनके द्वारा आयोजित कलम नो कार्निवाल टिक पुस्तक मेला, एक तरीके का ये बुक फेयर है जो कि कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, अहमदाबाद में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जो है इसको मतलब जब इनॉग्रेशन हुआ तो वहाँ पे इन्होंने इसको संबोधित किया था, इस सेरेमनी को। ठीक, और गुजरात के जो जितने भी ये हैं लिटरेचर नॉलेज है ना, तो इन सबको एक्सपैंड करने के लिए ये कलम नो कार्निवाल जो ये इनिशिएटिव है पुस्तक मेला, इसको आयोजित किया गया। ठीक, हाल ही में किस देश की सरकार के द्वारा एडमिरल सुनील लांबा जो भारत के हैं, ठीक है, रिटायर्ड हो चुके हैं, तो इनको सराहनीय सेवा पदक सेना का जो है प्रदान किया गया। ठीक, तो देखिए अलग अलग कंट्रीज जो हैं दूसरे देशों के जो आर्मी नेवी या फिर एयरफोर्स के जो चीफ होते हैं, इनको अपने सम्मान के रूप में अपने देश का जो उस रैंक का कह लीजिए टाइटल होता है वो देते हैं। ठीक, तो उसी क्रम में यहाँ पे सुनील लांबा जी को मिला है इससे आपका जो है सिंगापुर से, ठीक, मेरिटोरियस सर्विस मेडल। ठीक, तो यहाँ से ऑप्शन ए जो है इसको चूज करेंगे। 37वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा 2022 कब से कब तक मनाया गया? ठीक, तो जो एम्स में दिल्ली हॉस्पिटल है, ठीक है, तो वहां पे आई डोनेशन का एक कैंपेन है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच में। ऑप्शन सी। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन हर्बेरियम डेटाबेस जिसका नाम है इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम वेब पोर्टल, इसको लॉन्च किया गया है, तो इसे किस संस्थान ने विकसित किया है ये बताना है। तो देखिए जो है हमारे जितने भी ये प्लांट्स फ्लावर्स है ना, इन सब का एक तरीके से जो कलेक्शन का एक डेटाबेस होता है उसको हर्बेरियम के नाम से जानते हैं, तो ऑनलाइन माध्यम में इसको डेवलप किया गया है इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम जो भारत का बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इनके द्वारा। ठीक, हाल ही में किन दो देशों ने कुशियारा नदी के लिए अंतरिम जल बंटवारे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो देखिए कुशियारा नदी का जो वाटर है उसके बीच में शेयरिंग जो दो देश शामिल हैं वो भारत और ये बांग्लादेश हैं। ठीक, तो इनके बीच में इस जो है दोनों इस नदी के पानी को लेकर के बंटवारे को लेकर के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है अभी एक अंडरस्टैंडिंग है उस पर साइन हुए हैं। केंद्र सरकार ने 2021-22 से किस वर्ष के दौरान कार्यान्वयन के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, ठीक है, तो जो ये आंगनवाड़ी वाले इंस्टीट्यूशंस चलते हैं आपने देखा होगा गांव वगैरह में, और जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए स्कीम चल रही है पोषण, तो उसका सेकंड वर्जन है ना, तो इसके कार्यान्वयन के लिए जो है मंजूरी दी गई है 2021-22 से लेकर के 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर तक, तो ये टाइम पीरियड जो है इसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में तंपारा झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है, यह झील जो है किस राज्य में स्थित है ये बताना है। ठीक है, तो रामसर साइट्स जो हमारे वेटलैंड्स होते हैं भारत में, जैसे आप देखते होंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं उनको धीरे धीरे रामसर साइट्स के रूप में जो है रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो उसी क्रम में तंपारा झील जो है इसको शामिल किया गया जो कि कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में। हाल ही में खबरों में रहे मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप में कौन सा एक देश शामिल नहीं है? ठीक है, तो देखिए जितने भी मिनरल्स डिपॉजिट विश्व के अलग अलग देशों में स्थित हैं, तो एक तरीके के उनके संदर्भ में एक मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइज की गई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नेतृत्व में, जो है इसमें कुल 11 देश शामिल हैं, भारत इसमें जो है सदस्य नहीं है। ठीक है, हालांकि भारत ने अभी जो है इसमें शामिल होने की जो है एक रुचि दिखाई थी, तो इस 11 देशों के समूह में जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, अमेरिका तो है ही है, इसके अलावा जैसे बात करें तो फिनलैंड है, फ्रांस, जर्मनी, फिर जापान, इसके अलावा साउथ कोरिया, स्वीडन, यूके, हाँ ये सब जो है इसमें शामिल है। विस्फोट के कारण खबरों में रहा हाल ही में जो है इसका हिंदी में प्रोनाउंस करते हैं इसको फागरा डाल्स फॉल माउंटेन। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ज्वालामुखी है फागरा डाल्स फॉल,
तो किस देश में स्थित है ये बताना है, ठीक है। तो ये लोकेटेड मतलब लोकेशन इसकी है आइसलैंड में, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में जो है इसमें इरप्शंस देखे गए थे और टूरिज्म पर्पस से भी लोग जो है यहाँ पे जाते हैं, तो इस चीज को भी आप ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में बिहार के गया जिले में फल्गु नदी, ठीक है, नदी का नाम ध्यान दीजिएगा, फल्गु नदी पर बने देश के सबसे बड़े रबर डैम जिसका नाम दिया गया है गया जी डैम, ठीक। तो इसका उद्घाटन किसने किया है, तो यहाँ पे जो है चूंकि ये आपका गया जिले में बुद्धिज्म से भी लोग काफी जुड़े हुए आते हैं और ये पितृपक्ष वगैरह में जो है पिंडदान से संबंधित बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे विजिट करते हैं, तो एक जो है स्मूथ ट्रैवल और जो है यहाँ पे पर्यटन के दिशा से फल्गु नदी के जो किनारे है उसको भी डेवलप किया गया और यहाँ पर इस नदी पे एक डैम बनाया गया है रबर से बना हुआ, गया जी डैम इसको नाम दिया गया। तो इसका उद्घाटन किसने किया ये पूछा जा रहा है, तो जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है कि क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, ठीक है, थीम ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस थीम के साथ विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2022 किस दिन मनाया गया, ठीक है। तो जो लोग किन्हीं कारणों के वश आत्महत्या की ओर बढ़ते हैं तो उसको रोकने की दिशा में एक जो है डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि रोकथाम की जा सके, आत्महत्या के बारे में जो है उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके इस दिवस के माध्यम से। तो ये दिवस होता है 10 सितंबर को, डी ऑप्शन को चूज करेंगे और इसमें जो है थीम ध्यान दीजिएगा क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। हाल ही में किस देश में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की यूनिट वन का अनावरण किया गया, यह परियोजना भारत की रियायती वित्त पोषण योजना के तहत विकसित की जा रही है, ठीक है। तो ये मैत्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है ये है बांग्लादेश में, ठीक, और जो है भारत की तरफ से इसमें फाइनेंसिंग भी की जा रही है, तो वही इसमें पूछा जा रहा था। तो ध्यान रखेंगे इसका यूनिट वन जो है ये ऑपरेशनल हो गया है और इसको जो है उद्घाटन किया गया है अभी हाल ही में। अभी रिसेंट में जो है वहाँ की प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया के दौरे पे थी बांग्लादेश की, तो भारत के प्रधानमंत्री और इन दोनों के द्वारा जो है ज्वाइंट रूप से इसका जो है वर्चुअल माध्यम में शुभारंभ किया गया। हाल ही में विश्व ईवी दिवस यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल डे जो है किस दिन मनाया गया, तो देखिए लोगों में जो है अभी जो पेट्रोल डीजल और इस तरीके के जो फ्यूल से चलने वाले वाहन हैं तो उससे जो है इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ लोगों का रुझान बढ़े उसके बारे में लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए वर्ल्ड ईवी डे जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है 9 सितंबर को, ठीक, प्रतिवर्ष। तो ध्यान दीजिएगा जैसे कि अभी हाल ही में देखा जाए तो भारत में भी कई तरीके के इनिशिएटिव जो हैं वो ईवी व्हीकल्स को अपनाने की दिशा में, चार्जिंग स्टेशन हो गया या मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैक्ट्रीज हो गई, तमाम तरीके की कंपनीज जो हैं और चार्जिंग स्टेशन से लैस जो आपके हाईवेज हैं जैसे अभी ये चंडीगढ़ और ये अम्बाला वाला जो हाईवे है ना, तो ये सब पे चार्जिंग स्टेशन के डेवलपमेंट है ना, तो इस तरीके की चीज़ें काफ़ी भारत में भी प्रमोट की जा रही हैं ताकि जो पर्यावरण की दिशा में जो इनका हार्मफुल इफेक्ट होता है उन चीज़ों को रोका जा सके। और जो चूँकि हमारे पेट्रोल डीजल जो है सीमित संसाधन है ना, तो एक ना एक दिन उनको समाप्त होना है, तो उसके ऑल्टरनेटिव के रूप में भी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह का अडॉप्शन ज़रूरी है। सितंबर 2022 में भारतीय सेना की जो अलग अलग कॉर्प्स होती है ना, यूनिट्स छोटी छोटी होती हैं कह लीजिए, तो खड़गा कोर जो है इंडियन आर्मी की तरफ से ये और भारतीय वायुसेना की जो है एक टीम ने किस राज्य में संयुक्त अभ्यास जो ज्वाइंट इन्होंने दोनों फोर्सेस की एक एक्सरसाइज की है जिसका नाम है गगन स्ट्राइक है ना, तो इसको इन्होंने किया है पंजाब में। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद जो है योजना कब शुरू की गई थी, ठीक है, तो हर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट जो है उसके प्रमोशन के लिए और उस राज्य में उसका जो है एक तरीके से उत्पादन जो होता है वहाँ का स्पेशल चीज़ है उसके संबंध में की स्कीम लॉन्च की गई थी ODOP स्कीम 24 जनवरी 2018 को, ठीक, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, लास्ट ईयर जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो है बॉलीवुड की जो अभिनेत्री हैं कंगना रनौत इनको है ODOP स्कीम का ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया था। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से किस मूवी को मिला, तो यानी कि जो ये हालांकि लास्ट ईयर ये अवार्ड्स दिए गए थे फिर भी यहाँ पे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की कैटेगरी जो है इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ये फिल्म थी वाटर बोरियल है ना, इसको मिला था, तो नाम इसका मूवी का ध्यान रखिएगा। भारतीय सेना ने जो है हेरॉन ड्रोन किस देश से प्राप्त किए हैं, ठीक है, तो जो ड्रोन्स होते हैं तो एक ये हेरॉन ड्रोन डेवलप किए गए हैं इसराइल के द्वारा और इसको जो है प्रोक्योर किया है इंडियन आर्मी ने, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी हमारा जो है ये करेक्ट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को 2021 में मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्रदान किया है, ठीक है, तो जो है इसको चाइना को मिला था ये मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन, ठीक, पूरी तरीके से चाइना जो है मलेरिया से मुक्त घोषित किया गया था WHO के द्वारा। मस्तिष्क यानी जो हमारे इंसानों का मस्तिष्क होता है
तो इसका जो है कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। तो देखिए हमारे ह्यूमन के जो ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसके कुछ अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ठीक। तो आपके जो जैसे मान लीजिए आप धरती पे खड़े हैं कहीं पे, ठीक, तो आपकी बॉडी को एक तरीके से बैलेंस वे में बनाए रखना और आपके जो मसल्स हैं उसको आप किस तरीके से मूव करना चाहते हैं ये सब का कंट्रोल और उसका जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, ये सब जो चीज़ें हैं हमारे ह्यूमन ब्रेन में जो पीछे के साइड एक भाग होता है सेरेब्रम, ठीक है, ये सेरेब्रम का जो भाग है इसके नीचे होता है पीछे साइड में, तो यहां से ये चीज़ें जो है कंट्रोल होती हैं। तो ध्यान रखेंगे हमारा बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था, ठीक है। तो जो है यहाँ पे शिमला में एक लगभग 35 लोगों का जो है समूह इनसे आगा खान के नेतृत्व में मिला था, जो 1905 का बंगाल का पार्टीशन था, है ना। तो उसके बाद 1906 में ये लोग जा करके मिले थे, जो उस समय की पॉलिटिक्स में जो है मुस्लिम्स का एक जो है कह लीजिए रिप्रेजेंटेशन कम था, उसको एक ज़्यादा जो है इनका मांग था, तो इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे इनसे मिले आगा खान की जो है लीडरशिप में। ध्वनि का तारत्व जो है किस पे निर्भर करता है ये बताना है, ठीक है। पिच ऑफ साउंड जो है डिपेंड करता है किस पे, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति पे, ठीक। तो देखिए तारत्व यानी कि पिच जो है वो क्या होता है कि बेसिकली तारत्व जो है जो हमारी साउंड वेव होती है उसकी फ्रीक्वेंसी से निर्धारित होगा, और जो जैसे कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जो साउंड होंगी उसमें आपका पिच जो है वो ज़्यादा होता है, और जिसमें कम फ्रीक्वेंसी होगी वहाँ पे आपका पिच भी कम होगा। और एक चीज़ मतलब मनुष्यों के संदर्भ में एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जैसे महिलाओं में जो ये तारत्व यानी कि पिच होता है उनकी वाणी में वो ज़्यादा होता है, ठीक। ज़्यादा होने की वजह से उनकी आवाज़ जो है वो पतली एक तरीके से होती है, और पुरुषों में ये पिच जो है ये कम होता है, तो इस वजह से आवाज़ जो है हमारी मोटी होती है थोड़ी सी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तो यहाँ से हम बी ऑप्शन को चूज़ करेंगे। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण जो है वो कौन सा है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हमको बताना है। तो ये गामा रेज, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, ये सब के सब जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। डी ऑप्शन को चुनेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ, ठीक है। तो जो आर्टिकल 352 के अंतर्गत हमारा ये इमरजेंसी इम्पोज होती है उसको राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में आप जानते हैं। तो देखिए इंडो चाइना वॉर के टाइम पे 62 में इमरजेंसी का इम्पोजिशन हुआ, 71 में पाकिस्तान के साथ वॉर के बाद भी जो है उस टाइम पे भी हुआ, 75 में जो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण जो है एक जो कंट्रोवर्शियल रहा था मामला इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, तो 75 में भी इमरजेंसी लगाई थी, 66 में जो है यहाँ पे इम्पोजिशन नहीं है। सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अगर अनुपस्थित रहता है तो सदन जो है उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है, ठीक। तो ये बेसिकली बात हो रही है हमारे जो संसद या फिर जो विधानसभा ये सब हैं, है ना, तो इनके जो हाउसेज हैं, तो यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं चाहे से संसद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए और यहाँ पे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज वगैरह हो गए, ठीक। तो अगर ये जिस हाउस के वो मेंबर हैं अगर उसको बिना बताए 60 दिनों के लिए अनुपस्थित रहते हैं, जो प्रोसीडिंग्स होती है वहाँ पे अगर हाउस सेशन में चल रहा है तो लगातार अगर 60 दिन तक एब्सेंट हैं तो ऐसे कंडीशन में इनका जो पद है उसको रिक्त घोषित किया जा सकता है और फिर उस पे जो है दोबारा चयन होगा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है अगर वो 60 दिनों तक सदस्य जो है अनुपस्थित है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा किस समिति के द्वारा दी गई थी, ठीक। तो जो आप वर्तमान में हमारी जो ये क्रॉप्स के बारे में ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, जो कमीशन ऑफ ये कॉस्ट एंड प्राइस वाला CACP, तो इसके द्वारा जो इशू किए जाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक कमेटी गठित की गई थी, लक्ष्मीकांत झा समिति, ठीक है। तो 1964 वर्ष में इन्होंने जो है सबसे पहली बार MSP का जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया था कि जो है फसलों के लिए न्यूनतम समर्पित जो समर्पित मूल्य है इसको दिया जाए, ठीक। अगला है सेंट फ्रांसिस जेवियर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो एक जो है क्रिश्चियन टाइप का फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट होता है गोवा में। निम्नलिखित में से किस योजना को डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये टर्म ध्यान से देख लीजिएगा, जो माउंट बेटन प्लान था 1947 का, ठीक है, तो उसी को डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलता है, ठीक। तो मान लीजिए जैसे ये कोई ठोस की दीवार है, अब या मान लीजिए हम लिक्विड ले लेते हैं, ठीक है,
एक गैसियस माध्यम है और दूसरा एक लिक्विड है। तो गैस के माध्यम से प्रकाश गुजर करके लिक्विड में अगर जाएगा तो निम्नलिखित में से क्या नहीं बदलेगा, ठीक। तो उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि जो आवृत्ति है वो हमेशा जो है समान होगी, ऑप्शन बी को चूज करेंगे, बाकी वेलोसिटी और वेवलेंथ जो है ये बदलेंगे। डूबते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के किस परिघटना से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप सुबह जब उठते होंगे तो सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है तो उस समय देखेंगे तो प्रकाश उसका जो है एकदम बेहद लाल दिखेगा आपको, ठीक। और सेम यही घटना जब शाम के समय वो सूर्य अस्त हो रहा होगा तब भी ऐसा ही कुछ दिखता है, तो ऐसा किस घटना से होता है, ठीक है। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है इस प्रभाव के कारण होता है, सी ऑप्शन को चूज करेंगे हम। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों में ना चिपकने वाली परत चढ़ाने में किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, जो नॉन स्टिक पैंस वगैरह आप ये यूज करते हैं किचन में, तो यहाँ पे इस पर कोटिंग जो होती है जिसमें फूड वगैरह स्टिक नहीं होता, जलता नहीं एक तरीके से, तो ये होता है टेफ्लॉन, ठीक। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर यानी कि जो उभयलिंगी समुदाय के लोग होते हैं, तो इनके लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में प्रवेश की आयु सीमा जो है उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो देखिए, होता क्या है कि जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में कोर्सेज़ का एडमिशन के लिए कुछ कुछ कोर्सेज़ में मिनिमम एज या मैक्सिमम एज इस सब का कुछ कॉन्सेप्ट होता है, तो इसको यहाँ पे पूरी तरीके से ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए, ताकि उनको शिक्षा एक तरीके से अच्छी मिल सके, चूंकि समाज में वैसे ही उनको काफ़ी उपेक्षा का जो है सामना करना पड़ता है, तो इस प्रावधान को किया है स्टेट ऑफ केरल ने, ठीक। और इसी क्रम में एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जो पहली ट्रांसजेंडर्स के लिए डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी को डेवलप किया जा रहा है वो कहाँ पे है, तो वो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक। तो ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। समावेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली एक तरीके का ये जो है एक इकोनॉमिक इंडेक्स है ना, जिसको कि शुरू किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और इसमें बेसिकली जो विश्व के जो है जितने भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, ठीक है, तो उसका फ्यूचर क्या होगा, तो इस सब के संबंध में इसमें डेटा जो है ये सब पब्लिश किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। वर्ष 2017 से इसको शुरू किया गया है। टोंस किस नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो यमुना के स्टार्टिंग एरिया में हम देखेंगे तो यहाँ पे एक टोंस नदी रिवर जो है फ्लो होती है, ये आपका उत्तराखंड और हिमाचल के रीजन्स में कुछ, ठीक। तो ध्यान रखेंगे ये यमुना की सहायक नदी है, बी ऑप्शन। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे, ठीक है। तो फॉर्मेशन इसका 1923 में हुआ था स्वराज पार्टी का, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो इसमें हम जब बात करेंगे इसके महासचिव की, तो महासचिव के पद पे थे मोतीलाल नेहरू जी, और उस समय जो अध्यक्ष थे यानी प्रेसिडेंट वो सी आर दास थे, ठीक। इनमें से वे कौन से तत्व हैं जो कमरे के तापमान और जो स्टैंडर्ड प्रेशर यानी कि मानक दाब है उस पर तरल यानी कि लिक्विड अवस्था में होते हैं, ठीक। तो देखिए कमरे का तापमान यानी कि जो रूम टेम्परेचर की बात कई बार आप पढ़ते होंगे कहीं ना कहीं, तो एवरेज रूम टेम्परेचर जो होता है वो सेंटीग्रेड की अगर हम बात करें तो 20 डिग्री में होता है, ठीक। और फॉरेनहाइट में बात करें तो लगभग 68 डिग्री के आसपास होता है, ठीक। तो इस टेम्परेचर पे और जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पे मरकरी और ब्रोमीन जो है ये दोनों ही लिक्विड अवस्था में होते हैं। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा जो है क्या था, ठीक। तो देखेंगे तुगलक डायनेस्टी में फिरोज शाह तुगलक ने जो है एक बेसिकली ये एक तरीके का मुफ्त हॉस्पिटल था, ठीक है, फ्री हॉस्पिटल, ऑप्शन ए को चूज करेंगे, दारुल शफा इसको कहते थे। इसके अलावा बात करें तो इसने दीवान एक खैरात जो है उसको एस्टैब्लिश किया था, जो कि उस समय का एक मैरिज ब्यूरो हुआ करता था। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट का भी एक ब्यूरो जो है इसने स्टार्ट किया था, ठीक। तो यहाँ से ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। हाल ही में एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन, ठीक है, इस नाम की एक पुस्तक जो है किसने लिखी है, तो ये पुस्तक लिखी है जो है आपका ये अशोक लवासा ने, ठीक है। ये कौन है, तो ये जो भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके पूर्व के इलेक्शन कमिश्नर भी रहे थे, ठीक। कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है, ठीक है। तो आपका जो ये हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर का डिस्ट्रिक्ट है वहां ये स्थित है, सतलज नदी पे, ऑप्शन बी को चुनेंगे हम।
भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक जो है कब जीता था, ठीक है। तो इंडिया की जो हॉकी टीम है ओलंपिक्स के जो गेम है उसमें जो है सबसे सक्सेसफुल टीम मानी जाती है। सबसे पहले हमने जो गोल्ड मेडल जीता है वो आज़ादी के पहले ही वर्ष 1928 में जो है यहाँ पे एम्स्टरडैम में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उस साल, तो नीदरलैंड को हरा करके हमने पहला गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद भी अगर हम बात करें तो 1932 में, फिर 36 में, 48 में, 52 में जो है, यहाँ तक तो खैर अभी याद आ रहा है, तो इन सब में भी जो है गोल्ड मेडल इंडियन टीम ने जीते हैं, ठीक है। बाद में चल के देखेंगे तो 1964 में, 1980 में भी जीते हैं, ठीक। तो वन ऑफ द सक्सेसफुल टीम है इंडियन हॉकी टीम। तो सबसे पहला वाला जो है यह है, अच्छा क्वेश्चन आपको ये बताना है कि जो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में हुए वहाँ पर भारतीय टीम ने जो है कौन सा मेडल जीता था, फटाफट कॉमेंट करके बताइएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ठीक है। केमिकल चेंज की अगर हम बात करें तो शरीर में भोजन अगर पचेगा तो केमिकली उसका जो कॉम्पोजिशंस है वो बॉडी अब्सॉर्ब करेगी, तो केमिकल चेंज है। दूध अगर दही बन जाता है तो जाहिर सी बात है वो केमिकल चेंज ही तो होगा। फिर लोहे में जंग लग जाता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो ये भी केमिकल चेंज है। परंतु जब जल है और उसका परिवर्तन वाष्प में होगा यानी कि एटमॉस्फेयर में हो जाएगा तो वो फिजिकल परिवर्तन है, क्योंकि फिजिकली हमारी जो वस्तु है वो गायब हो रही है, ठीक। तो ध्यान रखेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है। किसी निश्चित तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि जो है समान होगी, ठीक। तो देखिए एक आइडियल टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो वहां पर जितनी भी गैसेस हैं उसके जो अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक, उनके लिए जो काइनेटिक यानी कि गतिज ऊर्जा है ये जो है समान होगी। सितंबर 2022 में लॉस एंजल्स में आयोजित पहले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, पहला समिट है चूंकि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक रीजन का, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। तो इसकी जो मिनिस्ट्रियल लेवल बैठक है, मंत्री स्तरीय बैठक, इसमें किस केंद्रीय मंत्री ने भाग लिया भारत की तरफ से, तो भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, ठीक, इन्होंने जो है इसमें भाग लिया है और लॉस एंजल्स में इसका आयोजन हुआ है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो एंटोनियो गुटरेस हैं, तो इन्होंने किस देश के जो व्यक्ति हैं वॉल्कर तुर्क, है ना, इनको संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार जो यहाँ पे यूनिट है यूएन की, उसका उच्चायुक्त जो है नियुक्त किया है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स जो है इसके पद पर इनकी नियुक्ति हुई है वॉल्कर तुर्क की, जो कि संबंधित है ऑस्ट्रिया से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के ये भूतपूर्व जो है डिप्लोमैट भी रहे हैं और कई वर्षों से लगातार यूएन में भी काम करते रहे, तो यहाँ पे इस पद पर इनकी जो है नियुक्ति की गई है। और नियुक्ति किसने की है तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो सेक्रेटरी जनरल है हमारे एंटोनियो गुटरेस, इन्होंने ही। हाल ही में निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसका संबंध किस रोग से है, ठीक है। तो अभी हमारी जो प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने निक्षय पोर्टल को लॉन्च किया है और इस पोर्टल ये बेसिकली जो है हमारा जो ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है टीबी, है ना, इसके संबंध में एक डिजिटल पोर्टल है, इसकी सभी सुविधाओं का जो है एक तरीके से एक जगह पर उपलब्ध कराने वाला एक पोर्टल है। तो ध्यान रखेंगे इसको लॉन्च भी किया है प्रेसिडेंट ने। हाल ही में प्रख्यात पुरातत्वविद बीबी लाल जी का निधन हो गया है, तो इन्हें किस वर्ष में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था ये बताना है, ठीक है। तो ये जो आपका बीबी लाल जी हैं, जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसके जो है चीफ भी रहे थे और कई सारी जो इंडस वैली की साइट्स हैं उन सबके एक्सकेवेशन में भी जो है इनका रोल रहा, और ये अभी जो है दिल्ली में इनका निधन हो गया और भारत सरकार की तरफ से इनको जो पद्म विभूषण मिला वो वर्ष 2021 में मिला था, ठीक। तो नाम ध्यान रखिएगा बीबी लाल। तो चलिए आज के वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, सारे क्वेश्चंस को आप प्लीज़ देख लें, जो हमने क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं प्लीज़ उसको बताइएगा, हम अगले वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।